नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज रविकांत भट्टाचार्य के साथ। तो अब हम आपको ले चलते हैं खबरों की ओर। हथियार के बल पर बालिका का अपहरण मामला दर्ज। कामा थाना क्षेत्र के गांव नंदेराबास की बालिका का दो बाइक सवार बदमाश हथियार के बल पर शौच करने जाते समय अपहरण कर ले गए, जिसका मामला कामा थाने पर दर्ज किया गया है। पुलिस मामला दर्ज करने के बाद मामले की जाँच में जुट गई। कामा थाना अधिकारी कमरुद्दीन खान ने बताया कि कामा थाना क्षेत्र के गांव नंदेराबास के व्यक्ति ने थाने पर उपस्थित होकर लिखित तहरीर दी है, जिसमें उसने अवगत कराया कि 10 अप्रैल सुबह 5:30 बजे उसकी नाबालिग पुत्री अपनी बड़ी बहन के साथ शौच करने के लिए गई थी, जहां देवेंद्र उर्फ धर्मेंद्र पुत्र अर्जुन एवं केशव पुत्र विजेंद्र राजपूत पंजाबी बाइक पर सवार होकर आए और कट्टी की नोक पर जबरदस्ती बालिका का अपहरण कर ले गए। जब उसकी बहन ने हल्ला हेल मचाया तो पास की मस्जिद में कुछ लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे, जहां बाइक सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो वह लोग फायरिंग करते हुए भाग जाने में सफल रहे, जिसके बाद अपहरणकर्ताओं के परिवारजनों से बालिका को वापस लाने की बात कही गई तो उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन बालिका को वापस ला कर नहीं दिया, जिसके बाद सोमवार को मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बालिका और अपहरणकर्ताओं की सरगर्मी से तलाश की जा रही है, साथ ही अपहरणकर्ताओं की मोबाइल लोकेशन निकलवा कर मोबाइल लोकेशन के आधार पर बालिका को मुक्त कराकर अपहरणकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं पुलिस द्वारा हवाई फायरिंग करने की घटना की पुष्टि नहीं की गई है, जबकि परिवारजनों ने दर्ज मुकदमे में हवाई फायरिंग करने का आरोप लगाया है। कल दिनांक 4/21 को श्री बशीर सनोप कल्लू मेयो निवासी नंदेरा ने एक रिपोर्ट पेश कर बताया कि दिनांक 10/4/21 को सुबह 5:30 बजे मेरी बहन शौच के लिए गई थी, तो देवेंद्र उर्फ धर्मेंद्र सनोप अर्जुन केशव सनोप विजेंद्र पंजाबी निवासी नंदेरा मोटरसाइकिल पर जबरदस्ती बिठाकर ले गए, जिस पर मुकदमा दर्ज किया जाकर कॉल डिटेल निकलवा कर शीघ्र दस्तयाब करने का प्रयास किया जा। परिजनों ने फायरिंग करने का और हथियार के बल पर अपहरण करने का भी आरोप FIR में लगाया है, क्या प्रकरण है? अभी ये FIR में लगाया है, लेकिन इस संबंध में अभी कोई जानकारी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है फायरिंग हुई है। केवल इतना सामने आया है कि मोटरसाइकिल पे दोनों लड़के उस लड़की को बिठा के ले। तो दोस्तों, इसी प्रकार कामा विधानसभा क्षेत्र की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे RD News चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाकर खबर को शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।